मानवता की शुरुआत से ही सहकारिता की अवधारणा सहिष्णुता पूर्ण अस्तित्व की नींव रही है। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था, कोऑपरेटिव यानी सहकारिता आर्थिक विकास का द्वार है। इस विचारधारा को प्रभावी ढंग से अमल में लाते हुए कर्नाटक स्टेट सौहार्दा फेडरल कोऑपरेटिव लिमिटेड ने सफलतापूर्वक एक ऐसा माहौल रचा है जो कर्नाटक में सौहार्दा कोऑपरेटिव्स यानी सौहार्दा सहकारिता की बढ़वार के लिए उपयुक्त है। भारत में पहली सदी में ही शतवाहनों ने इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी में सहयोग की अवधारणा को अपना लिया था। महान अर्थशास्त्री आचार्य चाणक्य ने न्याय देने के मामले में भी सहकारिता की विचारधारा को आवश्यक बताया था। 1844 में रॉकडेल सोसाइटी ऑफ इक्विटेबल पायनियर्स कोऑपरेटिव कानून के तहत बनने वाली दुनिया की पहली कोऑपरेटिव थी। 25 मार्च 1904 को कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट 1904 अस्तित्व में आया। 8 मई 1905 को 12 सदस्यों वाली एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी वजूद में आई, जो सिद्धन्ना गौड़ा सन्ना रमन्ना गौड़ा पाटिल के नेतृत्व में कणगिना हाड़ा गांव में निर्मित हुई, जो फिलहाल गदग जिले में है। ये राज्य की पहली कोऑपरेटिव सोसाइटी थी। फिर ये एक्ट केवल कृषि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज तक सीमित होकर रह गया। इस कमी को दूर करने के लिए द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 का गठन हुआ, ताकि कोऑपरेटिव की अन्य गतिविधियों को भी इसमें शामिल किया जा सके। नया बना कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 सूबाई सरकारों के लिए एक ऐसा मॉडल बना जिसके आधार पर वो अपने कोऑपरेटिव एक्ट बना सकते थे। वक्त गुजरता गया और कुछ दूसरे पहलुओं को भी कोऑपरेटिव एक्ट में शामिल किया गया, और इस तरह कोऑपरेटिव मूवमेंट में एक नए दौर की शुरुआत हुई। आजादी मिलने के बाद अलग अलग राज्य सरकारों ने अपने अपने कोऑपरेटिव एक्ट बनाए और केंद्र सरकार ने अपना मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट विकसित किया। हर गांव के लिए एक पंचायत, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी और एक स्कूल सामुदायिक विकास के तीन स्तंभ माने गए। 1950 का दशक आते आते ये महसूस किया गया कि सरकार कोऑपरेटिव आंदोलन में सक्रिय हिस्सेदारी नहीं निभा रही है। राज्य और केंद्र सरकारों ने शेयरों, अनुदानों, सब्सिडी और अंशदानों वगैरह के रूप में करोड़ों रुपए निवेश करने शुरू कर दिए। इसके बावजूद कोऑपरेटिव आंदोलन से मन मुताबिक नतीजे नहीं मिले। अगले 2 से 3 दशक तक यही स्थिति जारी रही। इस बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने श्री अर्धनारीश्वरन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इस समिति ने 1987 में अपनी रिपोर्ट पेश की। इसमें कोऑपरेटिव आंदोलन की नाकामी के लिए सरकारों के हद से ज्यादा हस्तक्षेप को जिम्मेदार माना गया। ये भी सच है कि कोऑपरेटिव आंदोलन में लगातार जारी दलगत राजनीति भी इसकी प्रगति में एक बड़ा रोड़ा साबित होती है। समाज की प्रगति में कोऑपरेटिव आंदोलन के महत्व को समझते हुए सेंट्रल प्लानिंग कमीशन ने एक समिति बनाई, जिसका काम था एक मॉडल कोऑपरेटिव एक्ट बनाना जो सरकारों के हस्तक्षेप को रोकता, और श्री चौधरी ब्रह्म प्रकाश को इसका अध्यक्ष बना दिया गया। कोऑपरेटिव एक्ट्स के विस्तृत अध्ययन के बाद इस समिति ने 1991 में एक मॉडल कोऑपरेटिव एक्ट तैयार किया। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से इसे अपनाने के लिए सुझाव दिया। 1997 में कर्नाटक की विधानसभा में समानांतर कोऑपरेटिव एक्ट के बारे में एक बिल पटल पर रखा गया। कर्नाटक विधानसभा के दोनों सदनों ने इस बिल को पारित किया और फिर भारत के राष्ट्रपति की सहमति से ये कानून बन गया, लेकिन लागू नहीं हुआ। जस्टिस रामा जॉयस की अध्यक्षता में सौहार्द संवर्धन समिति अस्तित्व में आई, जो इसे लागू करने की मांग कर रही थी। सहकार भारती, कर्नाटक और सौहार्दा संवर्धन समिति के मिले जुले प्रयासों की वजह से द कर्नाटक सौहार्दा सहकारी एक्ट 1997 जनवरी 2001 में लागू हो गया। कर्नाटक स्टेट सौहार्दा फेडरल कोऑपरेटिव लिमिटेड को इस नए अधिनियम की जरूरतों के हिसाब से बनाया गया था। जिम्मेदार सदस्य, स्वनिगरानी और प्रोएक्टिव प्रोग्राम, ये फेडरल कोऑपरेटिव के बुनियादी पहलू हैं।
भारत के एकमात्र संवैधानिक रूप से बनाए गए फेडरल कोऑपरेटिव का मकसद है सौहार्द कोऑपरेटिव्स के बीच विकास संबंधी गतिविधियों की निगरानी करना, उन्हें उत्प्रेरित करना और उनमें मदद करना। सहकारिताओं का नियंत्रण करने की जिम्मेदारी हमें पहली बार दी गई थी। पहले ये काम रजिस्ट्रार करता था। सौहार्दा कोऑपरेटिव्स के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखना, उनकी मदद करना, साथ ही हमें उनके नियंत्रण का काम भी करना था। ये विषय हमारे लिए एक चुनौती था। कोई भी सरकार, कोई भी व्यक्ति या कोई संस्थान नहीं चाहता कि उसकी शक्ति घटे। इनमें सहकारिता विभाग भी शामिल हैं। लेकिन ये बात ठीक नहीं है। इन सब के असहयोग के बावजूद सौहार्दा सहकारिता आंदोलन में गति आई है। ये एक दबा के रखा हुआ बल है। फेडरल कोऑपरेटिव के पिछले चेयरमैन श्री मनोहर मस्की, श्री विश्वनाथ हिरे मठा, श्री एस आर सतीश चंद्र और वर्तमान चेयरमैन श्री गुरुनाथ जानथीकर की भूमिका सौहार्द कोऑपरेटिव के सुचारू कामकाज के लिए बेहद महत्वपूर्ण रही है। इन्होंने अति उन्नत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इसके कामकाज को तेज और निर्बाध बनाया है और कई अनोखी पहलें भी शुरू की हैं। अब तक 40 से भी अधिक कोऑपरेटिव नेता डायरेक्टर के तौर पर फेडरल कोऑपरेटिव की सेवा कर चुके हैं। फेडरल कोऑपरेटिव के विकास में समर्पित स्टाफ का योगदान भी बहुत महत्वपूर्ण है। फेडरल कोऑपरेटिव 2002 से अस्तित्व में है और तब से आज तक इसकी छत्रछाया में 3500 से ज्यादा कोऑपरेटिव खुल चुके हैं, जिनमें क्रेडिट कोऑपरेटिव, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, बहुउद्देशीय कोऑपरेटिव, सेल्फ हेल्प कोऑपरेटिव, हाउस बिल्डिंग कोऑपरेटिव, कंज्यूमर कोऑपरेटिव, एजुकेशन कोऑपरेटिव तथा और भी विभिन्न क्षेत्रों के कोऑपरेटिव शामिल हैं। ऐसे 80% से भी ज्यादा कोऑपरेटिव नए सौहार्दा एक्ट के तहत रजिस्टर किए जा चुके हैं और बाकी को पुराने एक्ट से बदला गया। सौहार्दा सहकारी एक्ट की कामयाबी इस बात से स्पष्ट है कि इस एक्ट के तहत पहले से कहीं ज्यादा कोऑपरेटिव रजिस्टर हो रहे हैं। ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇ ಜೋ ಸೌಹಾರ್ದಾ ಆಕ್ಟ್ ಲಾಯಾ ಗಯಾ ಹೈ वो एक बहुत अच्छा प्रयोग कहा जा सकता है। हमने कर्नाटक में इसे बहुत असरदार तरीके से लागू किया है और कर्नाटक में सौहार्दा काफी सफल भी रहा है। केवल बड़ी उम्र के लोग ही इस सहकारिता के क्षेत्र में आ रहे थे। सिर्फ किसान ही इस सहकारिता आंदोलन में शामिल हो रहे थे। लेकिन अब सौहार्दा सहकारिताओं को जो ज्यादा स्वायत्तता मिली है और माहौल में अब जो ज्यादा खुलापन आया है, उसकी वजह से अब युवा भी इससे जुड़ने लगे हैं। जो इस आंदोलन से नहीं भी जुड़े हैं, वो भी सौहार्दा सहकारिता संस्थानों में आने लगे हैं। तो इस तरह और ज्यादा लोग इस आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं। ये अलग अलग तरह के लोग हैं, ये जीवन के अलग अलग क्षेत्रों से हैं। इन सबको अब सहकारिता आंदोलन से उम्मीद बंधने लगी है। इन कारणों से हमारा दायित्व भी बढ़ा है। ये है कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट और ये है कर्नाटका सौहार्दा एक्ट। आप खुद देख सकते हैं कि इन दोनों में क्या अंतर है। कर्नाटका सौहार्दा एक्ट की विशेषता है इसकी सरलता। हमसे स्वायत्तता का वादा किया गया था, कन्वर्जन के बाद ये वादा निभाया गया। इस बात से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि कर्नाटका सौहार्दा एक्ट का क्रियान्वयन कर्नाटक सरकार और फेडरल कोऑपरेटिव द्वारा ठीक तरीके से हो रहा है और हमारे देश के कानून को नवीन बनाने में ये एक बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण कदम है। फेडरल कोऑपरेटिव सौहार्दा कोऑपरेटिव्स को कामकाज संबंधी आजादी दिला पाने में बेहद कामयाब रहा है और उन्हें ये आत्म अनुशासन की परिधि में लाया है। सौहार्दा सहकारी एक्ट के नियमों के तहत फेडरल कोऑपरेटिव अपने मॉडल बायलॉज बना सकता है, सौहार्दा कोऑपरेटिव्स की आर्थिक स्थिरता के मानकों को तय कर सकता है, सदस्य कोऑपरेटिव्स का इंस्पेक्शन कर सकता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट निर्धारित कर सकता है, विविध पहलों वाले नए कोऑपरेटिव्स को प्रेरित कर सकता है, सदस्य कोऑपरेटिव्स की ओर से लेन देन कर सकता है और सेवाएं प्रदान कर सकता है।
ऑडिटर्स का एक चार्टर बना सकता है, मेंबर कोऑपरेटिव्स के चुनावों की निगरानी कर सकता है, ये सुनिश्चित कर सकता है कि सामान्य बैठकें समय पर हों और आर्थिक ऑडिट निर्धारित नियमों के अनुसार हो। फेडरल कोऑपरेटिव अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है, जिनमें सदस्य कोऑपरेटिव्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अमान्य बनाना शामिल है, अगर वहां कोई सदस्य कोऑपरेटिव एक्ट और बायलॉज का उल्लंघन करता हो। कर्नाटक में सौहार्दा कोऑपरेटिव आंदोलन का प्रणेता कई आवश्यक वैधानिक और सक्रिय कदम उठा रहा है। कोऑपरेटिव्स द्वारा ई स्टैंपिंग बिजनेस शुरू करना ऐसा काम है जो भारत में पहली बार हुआ है और ये फेडरल कोऑपरेटिव की एक अनोखी उपलब्धि है। हमारी एक सकारात्मक बात ये है कि हम ग्राहक की सुविधा के हिसाब से प्रोडक्ट मुहैया कराते हैं। कोई भी नया परिवर्तन अगर आता है तो उसे स्वीकार करके अमल में लाया जाना चाहिए। कभी कभी ऐसा जरूरी नहीं भी होता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि भविष्य में तकनीक के लिहाज से हम पिछड़ ना जाएं। मेरी प्राथमिकता ये थी कि फेडरल कोऑपरेटिव के टेक्निकल पहलू को और बेहतर बनाया जाए। फेडरल कोऑपरेटिव की वेबसाइट पर सभी सदस्य कोऑपरेटिव्स और आम लोगों को पूरी जानकारियां मिल जाती हैं। स्वाभिमानी सहकारी एक मासिक पत्रिका है जो सभी सदस्य सौहार्दा कोऑपरेटिव्स को अन्य राज्यों में चल रहे कोऑपरेटिव मूवमेंट से जुड़ी ताजा खबरों के बारे में तो बताती ही है, साथ ही उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रुखों तथा घटनाओं से भी परिचित कराती है। इसमें फेडरल कोऑपरेटिव की उपलब्धियों के बारे में बताया जाता है, सदस्य कोऑपरेटिव्स के लिए दिशा निर्देश होते हैं, कोऑपरेटिव मंत्रालय के महत्वपूर्ण सर्कुलर और अधिसूचनाएं भी होती हैं। फेडरल कोऑपरेटिव अंग्रेजी और कन्नड़ में सौहार्दा सहकारी एक्ट से जुड़ी विभिन्न किताबों के साथ साथ मॉडल बायलॉज भी उपलब्ध कराता है। इसके अलावा सदस्य कोऑपरेटिव्स के लिए जरूरी बहुत सी किताबें भी मुहैया कराई जाती है। फेडरल कोऑपरेटिव आधुनिक टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए अपने सदस्य कोऑपरेटिव्स को सूचना और ट्रेनिंग मुहैया कराता है ताकि वो सेवाओं का लाभ आसानी से और तेजी से उठा सके। इसके अलावा सुरक्षा संबंधी आवश्यक कड़े उपाय और रोजमर्रा के कामकाज के लिए अन्य ताजा तरीन तकनीकी घटनाएं भी होती हैं। मेंबर कोऑपरेटिव्स की विश्वसनीयता, कार्य कुशलता और आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए फेडरल कोऑपरेटिव नियमित अंतरालों पर सेमिनार, वर्कशॉप, ओवरव्यू मीटिंग, विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम, सदस्य कोऑपरेटिव्स के सीईओ की वार्षिक बैठकें और सदस्य कोऑपरेटिव्स के पैनल पर मौजूद ऑडिटर्स के लिए इन्फॉर्मेशन ट्रेनिंग वर्कशॉप आयोजित करता रहता है। फेडरल कोऑपरेटिव ने विभिन्न विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर अनेकों विचार विमर्श वाले कार्यक्रम युवाओं और विद्यार्थियों के साथ आयोजित किए हैं ताकि उनमें कोऑपरेटिव क्षेत्र के प्रति रुचि जाग सके। फेडरल कोऑपरेटिव द्वारा कई नई पहलें शुरू हुई हैं, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए वर्कशॉप, जिससे कोऑपरेटिव सेक्टर की विश्वसनीयता और कार्य कुशलता बढ़ी है। फेडरल कोऑपरेटिव के कुछ सदस्य कोऑपरेटिव्स ने व्यवसाय से जुड़ी अनोखी पद्धतियां विकसित करके एक मिसाल कायम की है। श्री अरिहंता क्रेडिट सौहार्दा सहकारी नियमिता, बोरेगांव चिक्कोड़ी। अरिहंता सौहार्दा सहकारी को इसके वित्तीय अनुशासन और शानदार ग्राहक सेवाओं के लिए जाना जाता है। ये तो समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को वित्तीय लेन देन में हिस्सा लेने के लिए भी अवसर प्रदान करता है। हिरे के रूरा तालुका विद्यावर्धक सौहार्दा सहकारी नियमिता, हिरे के रूरा। हिरे के रूरा तालुका विद्यावर्धका सौहार्दा सहकारी ने न केवल LKG से कॉलेज स्तर तक के शैक्षणिक संस्थान शुरू किए हैं, बल्कि ये प्राथमिक और हाई स्कूल टीचर ट्रेनिंग कॉलेज भी चलाता है। स्पाइस रूट सौहार्दा सहकारी नियमिता, सिरसी। इस कोऑपरेटिव को स्थानीय पर्यटन विकसित करने के उद्देश्य से बनाया गया था। यह मुख्य रूप से विदेशी पर्यटकों के लिए 6 महीने के प्रवास का प्रबंध करता है। इसका एक लक्ष्य ऐसे सैलानियों को भारतीय व्यंजनों और सांस्कृतिक परंपराओं से परिचित कराना है।
ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ ನೌಕರರ ಸೌಹಾರ್ದ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರಿ ನಿಯಮಿತ ತುಮಕೂರು. ಈ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸಮಯ ಪರ ಅವಶ್ಯಕ ಋಣ ಉಪಲಬ್ಧ ಕರಾತಾ ಹೇ ಜಿಸ್ಸೆ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕೆ 130 ಸೆ ಜ್ಯಾದಾ ಶೈಕ್ಷಿಕ ಸಂಸ್ಥಾನೋ ಕೆ ಸ್ಟಾಫ್ ಕೆ ಸಭಿ ಸದಸ್ಯೋ ಕಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಸುನಿಶ್ಚಿತ ಹೋ ಪಾತಾ ಹೇ. ಕದಂಬಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿ ನಿಯಮಿತ ಸಿರ್ಸಿ. ಇಸ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ನೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ ಕಿಸಾನೋ ಕೆ हर स्थानीय उत्पाद हेतु बाजार उपलब्ध कराकर नाम कमाया है, चाहे ये उत्पाद शहद हो, मसाले या खाद्य फल. सुविधा विविध उद्देश्य सौहार्द सहकारी नियमिता सागर. ये कोऑपरेटिव ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा पहला कोऑपरेटिव सुपरमार्केट है जो ग्राहकों की सेवा अति उन्नत टेक्नोलॉजी के जरिए करता है. स्वाद फास्ट फूड इस कोऑपरेटिव का एक और आकर्षण है. हमसा चैतन्य सौहार्द क्रेडिट सहकारी नियमिता उडुपी. इस कोऑपरेटिव की सफलता का राज प्रवासी श्रमिकों के लिए सोलर लाइट ऋणों का प्रावधान कराने से जुड़ा है. ये ऋण उन परिवारों को दिया गया है जिनकी बिजली तक पहुंच नहीं है. ये एक रिकॉर्ड है कि इस कर्ज की 100% अदायगी हुई है, क्योंकि ऋण की राशि हर सप्ताह इन श्रमिकों के घरों पर जाकर वसूल की जाती है. श्री ज्योति विविधोद्देश्य सौहार्द सहकारी नियमिता एक्सम्बा चिकोड़ी. श्री ज्योति विविधोद्देश्य सौहार्द सहकारी नियमिता को ज्योति बाजार के नाम से भी जाना जाता है, और ये लोगों को बढ़िया क्वालिटी वाले जरूरी उत्पाद कम दाम पर उपलब्ध कराता है. इसने इस क्षेत्र के सबसे प्रतिष्ठित कोऑपरेटिव की ख्याति हासिल कर ली है. ये सिर्फ कुछ उदाहरण है. फेडरल कोऑपरेटिव ऐसे सैकड़ों नए कोऑपरेटिव्स के लिए एक प्रेरणा है जिन्होंने अपनी शुरुआत की है. हमने इस हेड ऑफिस को उसी ग्रामीण परिवेश में बनाया है जिसमें हम पनपे हैं. 2002 तक हम भी उसी पुराने एक्ट के तहत काम करते थे. फिर हमने सदस्यों के लिए बेहतर प्रशासन मुहैया कराने के वास्ते सौहार्द एक्ट को अपनाया. आज मैं बड़े गर्व से कह सकता हूं कि हम ग्रामीण लोगों की हर जरूरत को पूरा कर सकते हैं. सौहार्द सहकारी कायदे जारी बंद नंतर सौहार्द एक्ट का परिणाम ये हुआ कि अब पहले से ज्यादा महिलाएं इसके साथ जुड़ने लगी हैं. ये सौहार्द बंद सौहार्द एक्ट की वजह से और ज्यादा सहकारिताएं सामने आई. आज एक सहकारिता को स्थापित करना और एक जिम्मेदार डायरेक्टर बनना बड़े गर्व की बात है. सौहार्द कानून आत्मसम्मान से जुड़ा कानून है. इसमें स्व प्रशासन और स्व नियंत्रण के लिए संभावना है, और इसीलिए बहुत से युवक सहकारिता के क्षेत्र में आ रहे हैं. हमारे राज्य में नए नए क्षेत्रों में सौहार्द स्थापित करने का प्रयास हो रहा है. चाहे कोई तरकारी बेचने वाला हो, पान बेचने वाला हो, फूल बेचने वाला हो, सड़क पर खाने पीने की चीजें बेचने वाला हो, पानी पूरी बेचने वाला हो, टू व्हीलर की मरम्मत करने वाला हो, ऑटो रिक्शा की मरम्मत करने वाला हो, साइकिल रिपेयर करने वाला हो, ये सब लोग असंगठित क्षेत्र में हैं, और इन सबको थोड़ी थोड़ी पूंजी की जरूरत पड़ती रहती है. तो अगर ऐसे लोग इकट्ठे होकर एक सौहार्दा प्रारंभ करने की इच्छा रखते हैं तो हम उनको पूरा सहयोग देंगे. इससे आपकी सारी आर्थिक समस्याएं दूर हो जाएंगी. हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप सब इस क्षेत्र में आए. सौहार्द कोऑपरेटिव्स की कई विशेषताएं हैं. ये केवल सदस्यों के अंशदान के जरिए ही अपना कामकाज चलाते हैं, सरकार से कोई आर्थिक मदद नहीं लेते. सौहार्द कोऑपरेटिव्स का ऑडिट केवल प्रोफेशनल ऑडिटर्स द्वारा ही किया जाता है. इन ऑडिटर्स को इन कोऑपरेटिव्स की जनरल बॉडी मीटिंग में हिस्सा लेकर सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर भी देना होता है. ये आवश्यक है कि सौहार्द कोऑपरेटिव के सदस्य अपने संस्थान में न्यूनतम लेन देन करें और जनरल बॉडी मीटिंग में अवश्य हिस्सा लें. सौहार्द कोऑपरेटिव का स्वामित्व, प्रबंधन और नियंत्रण सदस्यों के पास ही होता है. कोऑपरेटिव्स के पास ज्यादा आजादी होती है, साथ ही उन्हें ज्यादा जिम्मेदारी भी दी जाती है और एक आर्थिक रुतबा भी. जरूरी स्टाफ की नियुक्ति, वेतन में वृद्धि, पदोन्नति जैसे सभी फैसले कोऑपरेटिव खुद लेते हैं.
सौहार्दा एक्ट को सहकारी संस्थाओं के लिए स्कूल कहा जा सकता है। अगर सहकारी संस्थाएं एक्ट को ठीक से समझ लें तो आर्थिक सामाजिक सुरक्षा की दिशा में प्रभावशाली रूप से काम कर सकती हैं। मैं चाहता हूं कि वे एक्ट को स्वीकार करें। सौहार्दा सहकारी फेडरेशन हमारे राज्य में बहुत अच्छा काम कर रहा है। सभी सौहार्दा संस्थाएं निर्धारित समय सीमा में वार्षिक आम सभा को आयोजित करने और उनकी सक्रियता को जारी रखने जैसे कामों की देखभाल को बहुत अच्छे ढंग से कर रही हैं। इसके अलावा ये नए नए प्रकाशन और पत्रिकाओं के द्वारा कानून की जानकारी आम लोगों तथा सदस्यों को देने के काम में भी लगी हुई हैं। अगर बहुत सी संस्थाएं सौहार्दा सहकारी क्षेत्र में आती हैं और स्वशासन करने की स्वतंत्रता दिलाती हैं तो ये काम बहुत अच्छा रहेगा। मुख्यवागे महिलेरिगे हागू युवकरिगे ये लोग महिलाओं को और युवाओं को प्रशिक्षण देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। हमें सौहार्दा कानून में थोड़ा बदलाव करना होगा। कौन से बदलाव लाए जाने हैं इस मामले में हमारी सरकार को सुझाव देने का काम भी इन लोगों का उद्देश्य होना चाहिए। अधिकतर सौहार्दा कोऑपरेटिव मुनाफे में हैं और ये बात सौहार्दा एक्ट की कामयाबी को बयान करती है। ये स्पष्ट है कि आत्मनियमन से अनुशासन पैदा होता है, क्योंकि 95% से भी ज्यादा कोऑपरेटिव सदस्य निर्धारित समय अवधि में ऑडिट करा चुके हैं। ये गर्व का विषय है कि ज्यादातर नव पंजीकृत कोऑपरेटिव सोसाइटीज सौहार्द सहकारी एक्ट को चुनती हैं। फेडरल कोऑपरेटिव पुराने एक्ट से नए सौहार्द सहकारी एक्ट को चुनने वाले कोऑपरेटिव्स को प्रशिक्षण और दिशा निर्देशन मुहैया कराता है। क्योंकि इस एक्ट में सरकारी नॉमिनी का प्रावधान नहीं है, इसलिए राजनीतिक दलों का हस्तक्षेप कम से कम रहता है और इसी कारण कोऑपरेटिव्स के कामकाज में राजनीति नजर नहीं आती। ये सौहार्द सहकारी एक्ट की अनूठी विशेषताओं में से एक है। आत्मनियंत्रण सबसे अच्छा नियंत्रण होता है। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि भारत का कम से कम एक राज्य कर्नाटक अपने यहाँ स्वनियंत्रण की प्रणाली बना रहा है, जिसमें सहकारी संस्थान खुद एक ऐसा निकाय बनाएंगे जो इन सभी संस्थानों को नियंत्रित करेगा। कर्नाटक इस बात की एक अच्छी मिसाल है कि एक आत्मनियंत्रण वाला निर्वाचित निकाय एक ऐसे सहकारी बैंक को सुपरसीड किया जो नियमों का पालन नहीं कर पा रहा था। हमें यही करने की जरूरत है। मैं चाहता हूँ कि 1959 का एक्ट भी सौहार्दा की लाइन पर ही चले। मैं सरकार का कोई नियंत्रण नहीं चाहता। जो सहकारी समितियां बिना सरकारी मदद के चल रही हैं, मैं उन सभी से निवेदन करता हूं कि वे नए सौहार्दा एक्ट का पालन शुरू करें। फेडरल कोऑपरेटिव को इस बदलाव में मदद करनी चाहिए। फेडरल कोऑपरेटिव के निदेशक साफ सुथरी छवि वाले और स्वविवेकी होने चाहिए और वो अच्छी सहकारिताओं की मदद करें। उन्हें गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने से जुड़े कदम उठाने चाहिए। मुझे विश्वास है कि जब लोग देखेंगे कि सौहार्दा के तहत काम करने वाली सहकारी संस्थाएं खूब फल फूल रही हैं तो सब लोग सौहार्दा को अपना लेंगे। सौहार्दा ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, इसीलिए उसे ये सम्मान मिला है और इसकी वजह यह है कि उसके काम में सरकार का हस्तक्षेप नहीं हुआ। अगर ऐसा हो तभी कोई सहकारिता आंदोलन स्थापित हो सकता है। ऐसे सहकारी आंदोलन की वजह से समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति की भी मदद हो सकती है। इस बात का मुझे बहुत गर्व है कि जिन संस्थाओं ने जीडीपी को बढ़ाने में सहायता की है, ये भी उनमें से एक है। किसी संस्थान का गठन करना अब एक मौलिक अधिकार है। संविधान संशोधन उस सब की इजाजत देता है जिसे हमने सौहार्दा एक्ट में शामिल किया है। संविधान के स्तर पर जो भी परिवर्तन हुए हैं उनमें से 95% प्रावधानों को पहले ही कर्नाटक सौहार्दा एक्ट में शामिल किया जा चुका है। मौजूदा संदर्भ में काफी संख्या में युवा निर्वाचित प्रतिनिधि सौहार्दा कोऑपरेटिव में शामिल हो रहे हैं, ये एक अच्छी निशानी है। फेडरल कोऑपरेटिव राज्य स्तर का एक सौहार्दा एपिक्स बैंक बनाने की सोच रहा है ताकि सदस्य कोऑपरेटिव को रीफाइनेंस से जुड़े मौके पाने में मदद कर सके और साथ ही उन्हें अपने अतिरिक्त धन को पुनर्निवेश करने में भी सहायता कर सके।
फेडरल कोऑपरेटिव के कुछ अन्य उद्देश्य हैं, सदस्य कोऑपरेटिव्स को संयुक्त उपक्रम कारोबारों को शुरू करने के लिए प्रेरित करना, कोऑपरेटिव यूनियंस का गठन, हर कोऑपरेटिव को इस लायक बनाना कि वो वित्तीय उत्पादों का सुपरमार्केट बन सके, एक रिसर्च और इवैल्यूएशन सेल शुरू करने की भी योजना बनाई गई है ताकि गतिविधियों की गुणवत्ता को सुधारा जा सके और सौहार्द कोऑपरेटिव्स के कामकाज के साथ एक नया पहलू जोड़ा जा सके। फेडरल कोऑपरेटिव्स के 10 वर्ष पूरे होने के दौरान जो डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च एंड इवैल्यूएशन अस्तित्व में आया था, वो कई गतिविधियां अंजाम दे रहा है, जैसे कि मैसूर यूनिवर्सिटी द्वारा कोऑपरेटिव सेक्टर का आकलन, जमाकर्ताओं के हितों का ध्यान रखने के लिए डिपॉजिट सिक्योरिटी प्रोजेक्ट को शुरू करना, विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल करके सौहार्द कोऑपरेटिव्स का संवर्धन और स्वच्छ भारत अभियान में सक्रिय होने के लिए सदस्य सौहार्द कोऑपरेटिव्स को उत्प्रेरित करना। कोऑपरेटिव फील्ड के बारे में विभिन्न अदालतों के फैसलों और कोऑपरेटिव्स के लिए टैक्सेशन संबंधी नियमों वाली किताबें छापी जा चुकी हैं और एक अंतर्राज्यीय स्टडी टूर सफलतापूर्वक आयोजित किया गया है। राज्य में वीडियो आधारित ई ट्रेनिंग कक्षाएं और विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर कोऑपरेशन और बैंकिंग के बारे में पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू करने की योजनाएं भी हैं। संयुक्त सहकारी ओब स्नेहितनागी ओब मार्गदर्शकनागी फेडरल कोऑपरेटिव एक दोस्त एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हुए सदस्यों को कानून के बारे में सलाह देने, प्रशिक्षण प्रदान करने और जरूरत पड़ने पर उन्हें आर्थिक व कानूनी सलाह देने जैसे काम कर रही है। उसने सहकारियों को एक कॉमन सॉफ्टवेयर या मॉडल सॉफ्टवेयर बनाकर नाम मात्र के किराए या दर पर देने की योजना भी बनाई है। सहकारी संस्थाओं और आम जनता को सौहार्दा के बारे में जानकारी मिल सके, इसके लिए एक सहकारी हेल्पलाइन कायम करने की व्यवस्था की जा रही है और ये भी कोशिश की जा रही है कि संयुक्त सहकारिता इस क्षेत्र के बारे में पूर्ण संदेश देने के लिए काम करे। देखिए, अब एक सहकारी संस्था की रचना करना, उसका विकास करना और उसे ठीक से सुविधा दे पाना संभव हो गया है। हमारा उद्देश्य स्वशासन, स्वायत्तता और स्वनियंत्रण है। यहाँ के निर्वाचित बोर्ड बदलाव के लिए तैयार हैं और किसी भी निर्णय को वो जल्दी ले सकते हैं। तो इस तरह से सौहार्द सहकारिता संस्थाएं ऐसी ही एक नई आदर्श और चैतन्य व्यवस्था बनी है। फेडरल कोऑपरेटिव समग्र विकास के लिए कटिबद्ध है और इसने कई बड़ी उपलब्धियां भी प्राप्त की हैं। 2005 में कुडला संगम में सौहार्दा कोऑपरेटिव्स की एक कॉन्फ्रेंस स्वाभिमानी समावेश हुई, जिसने सौहार्दा कोऑपरेटिव्स के महत्व और विश्वसनीयता को बढ़ाया है। 2008 में फेडरल कोऑपरेटिव के 1000 सदस्य कोऑपरेटिव बने थे। इस अवसर पर विधान सौधा के बैंक्वेट हॉल में एक समारोह हुआ, जिसने इसके सदस्य कोऑपरेटिव्स के कारोबार को साझा करने की योग्यता दी। 2010 में बेलगाम में पहला डिविजनल ऑफिस कायम किया गया। सदस्य कोऑपरेटिव्स द्वारा 100 ई स्टैंपिंग केंद्र शुरू किए गए। फेडरल कोऑपरेटिव ने सामाजिक दायित्व के प्रति अपना गहरा सरोकार दिखाते हुए उन व्यक्तियों की मदद की जो 2009 में उत्तर कर्नाटक में आई बाढ़ से प्रभावित हुए थे। बंगलुरु में स्टेट लेवल विमेन कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। कोऑपरेटिव गतिविधियों के जरिए इसका एकमात्र उद्देश्य था महिलाओं का सशक्तिकरण और इसने कोऑपरेटिव मूवमेंट में महिलाओं की प्रतिभागिता को बेहतर भी बनाया। कर्नाटक में सौहार्द कोऑपरेटिव मूवमेंट के विकास की एक समीक्षा की गई, जिसमें कुछ एमएलए और एमएलसी ने भी हिस्सा लिया। 8वीं आईसीए रीजनल रिसर्च कॉन्फ्रेंस में पेपर प्रेजेंटेशन हुआ। इसका आयोजन इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस एशिया और मैसूर यूनिवर्सिटी ने किया था। मैसूर जिले के पत्रकारों और मीडिया कर्मियों के लिए कोऑपरेटिव मूवमेंट एंड जर्नलिज्म पर एक वर्कशॉप आयोजित हुई। कोऑपरेटिव कानूनों और अधिनियमों के बारे में एक जागरूकता कार्यक्रम हुआ। इसमें 400 से ज्यादा कोऑपरेटिव प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। मैसूर और बेंगलुरु में होने वाली रीजनल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस
फेडरल कोऑपरेटिव द्वारा आयोजित किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं। बेलगाम में 59वां ऑल इंडिया कोऑपरेटिव वीक 2014 मनाया गया, जिसकी थीम थी सदस्य संबंधित सेवाओं को मजबूत करना और कोऑपरेटिव आंदोलन में प्रतिभागिता। कर्नाटक के राज्यपाल महामहिम श्री वजूभाई वाला ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। जिले के इंचार्ज मिनिस्टर और कर्नाटक कोऑपरेटिव मिनिस्टर भी अन्य मेहमानों के अलावा उपस्थित थे। फेडरल कोऑपरेटिव की आकांक्षा सभी डिवीजनों में डिविजनल ऑफिस शुरू करके इनमें सभी चरणों पर कार्य को आवंटित करना और सभी जिलों में कार्यालय बनाकर उनमें अधिकारी नियुक्त करना है। जागरूकता पैदा करने और एकदम जमीनी स्तर पर सौहार्दा कोऑपरेटिव्स की प्रगति को सुनिश्चित करना फेडरल कोऑपरेटिव की प्रशासनिक समझबूझ को दर्शाता है। सदस्य कोऑपरेटिव्स की ऋण उगाहने की प्रक्रिया को तेज और सरल बनाने के लिए एक विशिष्ट अदालत का बनाया जाना एक बहुत बड़ा कदम है। सौहार्दा कोऑपरेटिव ने देश के कोऑपरेटिव इतिहास में एक नए अध्याय को शुरू किया है। कर्नाटक में सौहार्दा सहकारिताएं बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। देश में ऐसा कानून 9 राज्यों में है। सहकारी क्षेत्र के विकास के लिए सरकार ने इस कानून को लागू किया है। हमारी सरकार ने सौहार्दा सहकारियों के लिए एक विशेष न्यायालय को मंजूरी दी है। साथ ही सहकारिताएं स्वतंत्र रूप से काम कर सकें इसके लिए भी कानून में बहुत से सुधार किए गए हैं। हमारी राज्य सरकार इस क्षेत्र को बहुत बढ़ावा दे रही है। फेडरल कोऑपरेटिव्स एक बड़ी उपलब्धि के दोराहे पर हैं। कई वरिष्ठ कोऑपरेटिव एक्टिविस्ट का सपना था कि उन्हें कामकाज में पूरी स्वायत्तता दी जाए। इस सपने को सच करके फेडरल कोऑपरेटिव ने आम लोगों और सरकार दोनों से स्वीकृति पा ली है और अब तेजी से प्रगति की ओर बढ़ रहा है। चाहे सौहार्दा सहकारी आंदोलन हो या अन्य कोई सहकारी आंदोलन, इन सब का मूल उद्देश्य है समाज के सबसे गरीब व्यक्ति का आर्थिक शोषण रोकना, समाज को शोषण मुक्त बनाना। आज मैं गर्व से ये बात कह सकता हूँ कि कर्नाटक में 3,500 सौहार्दा सहकारिताएं काम कर रही हैं। कर्नाटक में अभी तक जितने लोग अधिक ब्याज पर कर्ज ले रहे थे उनकी संख्या आधे से भी कम करने के प्रयास में हम सफल हुए हैं। इस तरह हम समाज में हो रहे शोषण को रोक रहे हैं। ये बड़े गर्व की बात है कि सौहार्दा सहकारी आंदोलन समाज के हित के लिए काम कर रहा है। मेरी सलाह है कि जिन संस्थाओं ने सरकारों से शेयर मनी, सब्सिडी जैसी आर्थिक सहायता ली है, उनकी एक श्रेणी बनाई जाए और जिन्होंने कोई सहायता नहीं ली है उनकी एक दूसरी श्रेणी बनाई जाए। उसके बाद एक निर्धारित समय के अंदर इन संस्थाओं को एक नए कानून के तहत सौहार्दा सहकारिता घोषित किया जाए। ये मेरी सरकार से विनती है। खैर, सरकार कानून बनाए या नहीं, कर्नाटक में 37,000 से ज्यादा जो सहकारी संस्थाएं हैं उन सभी से मेरी प्रार्थना है कि वे सब सौहार्दा सहकारिता का हिस्सा बने। मैं उन सबको इसके लिए निमंत्रण देता हूँ। 1.5 दशक से भी ज्यादा के अपने अस्तित्व के दौरान बेशक फेडरल कोऑपरेटिव ने कई बहुत अच्छी उपलब्धियां हासिल कर ली हैं, लेकिन उसे पता है कि कोऑपरेटिव आंदोलन में मौजूद विभिन्न संभावनाओं की तुलना में इसकी उपलब्धियां अभी कुछ खास नहीं है। इसकी सफलता की यात्रा के लिए जो सदस्य कोऑपरेटिव जिम्मेदार थे वही इसके समृद्ध भविष्य को भी आकार देंगे। फेडरल कोऑपरेटिव का अस्तित्व अब 1.5 दशक से ज्यादा का हो चुका है और अब ये एक बार फिर ऐसे कोऑपरेटिव्स को आवश्यक उत्प्रेरक दिशा निर्देशन और प्रशिक्षण देने में जुट गया है जो सौहार्द सहकारी एक्ट को अपनाने की इच्छा रखते हैं। कर्नाटक स्टेट सौहार्दा फेडरल कोऑपरेटिव सौहार्दा कोऑपरेटिव से जुड़ी सफलता के क्षितिज पर एक चमकता तारा है। फेडरल कोऑपरेटिव सौहार्द सहकारिता क्षेत्र में क्रांति का
एक अनोखा दिशा निर्देशक है।